सैफ अली खान की होप प्रोडक्शन फिल्म गो गोवा गॉन की शूटिंग पिछले 6 महीनों से होल्ड पर रखी गई थी क्योंकि सैफ कॉकटेल और रेस 2 को लेकर काफी बिजी थे। लेकिन अब सैफ ने फाइनली इस फिल्म के लिए अपने डेट्स दे दिए हैं। अब सैफ अगले हफ्ते से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। खबर मिली है कि सलमान खान स्टारर एक था टाइगर में कैटरीना कैफ एक बैले डांस टीचर का रोल निभा रही हैं और कैट्स के इन डांस सीक्वेंसेस की शूटिंग लंदन के ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी में की गई है। खबर मिली है कि सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की फिल्म कॉकटेल में रणदीप हुड्डा भी नजर आने वाले हैं। बट रणदीप हैज अ ब्रीफ रोल इन द फिल्म। वो फिल्म में दीपिका के बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करते दिखेंगे। रोहन सिप्पी की हर फिल्म में उनके फ्रेंड अभिषेक बच्चन ने लीड रोल निभाया, लेकिन अब रोहन ने उनकी नेक्स्ट फिल्म के लिए आयुष्मान खुराना को कास्ट कर लिया है। वैसे रोहन अभिषेक को अपना लकी चार्म मानते हैं, इसीलिए वो अभिषेक से इस फिल्म में एक कैमियो करवा रहे हैं। कहा जाता है कि राणा दागुबत्ती की रेकमेंडेशन पर प्रोड्यूसर वासु भगदानी ने साउथ एक्ट्रेस प्रिया आनंद के साथ 3 फिल्म डील साइन कर ली है। प्रिया अब इन फिल्म्स में जैकी भगदानी के ऑपोजिट कास्ट की जाएंगी।